हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 5:55। मैंने चढ़ा दी है सुबह की पहली चाय। बाहर तो अभी अंधेरा ही है, थोड़ी देर में सनराइज होगा। चलो अभी मैं वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। मेरी चाय बनके तैयार हो गई है और रात में मैंने राजमा को सोक किया था, तो इसको भी मैं अभी लंच के लिए सोच रही हूँ बनाऊंगी, तो इसको चढ़ाती हूँ अभी वॉश करके। ये मैंने चढ़ा दिया राजमा और अब इसको लगाते हैं ढक्कन, ओवन उबलेगा ये काफ़ी देर। अभी यहाँ हो रहा है तेल गरम। हनी बोल रही है वापस पूरी जैम ले जाऊँगी, अभी जब तक ये जैम ख़त्म नहीं होगा ना तो अभी उसका यही चलेगा। मैंने कहा चल ठीक है ले जाओ, वैसे भी जल्दी छुट्टी हो जाती है, पूरी जैम ले जाएगी। और गुड मॉर्निंग, हनी जा रही है स्कूल। यहाँ बन रहा है राजमा, तो उसका मसाला भुंज रहा है। राजमा तो मैंने बॉईल कर लिया था, सुबह ही बॉईल कर लिया था। चलो अभी मैं हनी को लेने के लिए स्कूल पहुंच चुका हूं, तो थोड़ा टाइम है, तब तक मैं यहाँ बाहर वेट कर लेता हूं। अरे बच्चे लोग, जो एग्ज़ाम का ब्रेक हो गया है तो सब लोग अभी खेल रहे हैं और हनी वहां पर स्विंग में खड़ी है। वाओ, ग्रीनरी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा आ रही है, लेकिन धूप में गर्मी है, लेकिन पेड़ के नीचे बैठे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। हनी अभी स्कूल से घर पहुंच चुकी है और रेस्ट कर रही है टैडी को लेके, अपना प्यारा सा। ये कहाँ से लेके आया फैदर? पिजन का फैदर। अच्छा, एग्ज़ाम कैसा हुआ? गुड की वेरी गुड, वेरी गुड। और मैडम ने कुछ दिया है आपको? कहाँ दिया स्टार? अरे वाह यार, कौन सी मैडम ने दिया? कविता। अच्छा, इसके आपका एग्ज़ाम अच्छा किया होगा ना, तो आप मैडम ने आपको स्टार दिया। अरे वेरी गुड, वेल डन। हैं, और कल क्या है आपका? कल छुट्टी है। और फिर नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है फिर परसों? अब मैथ और इंग्लिश का बच गया, हनी को सब पता है। अरे हाउ वाज योर एग्जाम? गुड की वेरी गुड, वेरी गुड। पापा का सब्जेक्ट है हिंदी में। हाँ, तो स्टार हाथ में स्टार लेके आई हूँ अभी, उसमें पेपर में स्टार है कि नहीं, लेकिन हाथ में स्टार तो है हनी के। कौन सी मैडम दिया? किया होगा ना, क्यों नहीं किया होगा? हनी ने इतनी मेहनत की बेचारे ने, है ना हनी? किया है। ये फैदर का फैदर, पिजन का फैदर ने उठा लिया होगा इसने नीचे। पिजन नहीं है, कुछ और है काला। पिजन का है, बुलबुल का है। अरे जिसका भी है फैदर तो है ना। पीजे ने फिर लड़ते रहोगे क्या? हैं, फैदर का है, किसका है? आज इसने खाया नहीं टिफिन, शायद आधा ही खाया है इसने। क्यों, पेपर लंबा था क्या? कुछ लंबा नहीं है, स्विंग झूलने के चक्कर में रहती है। झूले के चक्कर में, ठीक है, तो झूले के चक्कर में नहीं खाया, कल आधा खाया। चलो ठीक है, चलो फ्रेश हो जाते हैं हनी। ओके हनी, हनी स्कूल से आके नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुकी है, अभी बैठ चुकी है लंच के लिए। लंच करना है ये बनियान है। हाँ चलो, लंच में क्या है? राइस और राजमा की सब्जी। तो आज लंच भी जल्दी हो रहा हनी के एग्ज़ाम के कारण से। अभी 12:30 बजे है, अभी देखते हैं न्यूज़ देखते हैं और साथ में लंच करते हैं। ओके हनी, क्या हुआ? हनी गुड इवनिंग, क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं, क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। ना अब इसका मैथ्स का एग्जाम है। चलो दिस वन नेक्स्ट बताओ। और यहाँ बन रही है शाम की चाय। यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ी सफाई कपड़ों की, इनको पोछ रही हूँ अंदर से शेल्फ को अच्छे से, फिर कपड़ों को भी ऑर्गेनाइज करके वापस से जमा के रखती हूँ। हनी गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कौन आ गया? ये प्यारा सा बिंगू आ गया है। हाँ, बिंगू को नींद आ रही कि नहीं आ रही है? बिंगू को सुला दो, बिंगू तो नहीं सोएगा, हनी भी नहीं सोएगी मुझे ऐसा लगता है।
बिंगो सो जाएगा, हनी को नींद नहीं आएगी क्योंकि आप दिन को सो गए आज, है ना। आपको आज अच्छी नींद ले ली आपने। क्यों नोजी लगा? नोजी की सेंस ऑर्गन है ना उसका, ब्रीदिंग कैसे करेगा, ब्रीदिंग कैसे करेगा वो। ठीक है, उधर करना, मम्मा को तंग मत कर, मम्मा काम कर रही है। मैं सिल रही हूँ कुछ। हाँ, मम्मा कुछ रिपेयर कर रही है। स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग कर रही हूँ मम्मा। ठीक है, अरे उधर कर बेटा, लग जाएगी। चलो सोना है कि प्ले करना है? सोना तो चलो ठीक है, मम्मा के बगैर नहीं हो। गुड नाइट मम्मा। चलो गुड नाइट मम्मा को, गुड नाइट कर दे। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। चलो अभी सभी को बाय कर दो। बाय। बिंगो सिंह भी आ गया अभी।